अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम है फातिमा इकबाल है और ये है फुल ब्राइट वुमेन्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो सबसे एक ज़बरदस्त किस्म की पर्सनालिटी मौजूद हैं और वो फुल ब्राइट अलम है, उनका नाम है अज़ीज़ फातिमा हसनैन। अज़ीज़ फातिमा साहिबा ने 1973 में फुल ब्राइट मास्टर्स किया। 1973 में आप अमेरिका गई और 1975 में आपकी वापसी हुई। आपकी जो डिग्री है उसको कहते हैं MAT, विच इज़ अ मास्टर्स इन आर्ट्स फॉर टीचर्स। और आपकी जो ओवरऑल लाइफ की में जो स्पेशलाइजेशन है वो फिजिक्स एजुकेशन से रिलेटेड है। अज़ीज़ फ़ातिमा साहिबा ने अपना जो मास्टर्स किया है वो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से किया। और आई थिंक मैम हैज़ अ लॉट टू शेयर, नॉट जस्ट रिलेटेड टू हर फुलब्राइट एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट रिलेटेड टू फिजिक्स एजुकेशन, बट आई थिंक देयर सो मच टू लर्न अबाउट हाउ टू नेविगेट लाइफ एज अ वुमन, एज अ पाकिस्तानी वुमन। आई थिंक आज हम बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं कि 70s में जो है एज अ वुमन वर्क स्पेस को, फैमिली स्पेस को, इन सब चीज़ों को नेविगेट करना कैसा था, वट कैन वी लर्न, what can we shun from those times? So I'm really excited to be speaking to her, and I'm really really excited to bring forth her story with everyone. And I also feel like we'll all end up learning just so much today. Assalamu alaikum ma'am, आपके क्या हाल चाल है? I am fine and excited to give the interview with you. तो मुझे मैम सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका बचपन किस तरह का था, वेयर डिड यू ग्रो अप, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड वर यू लाइक, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक? Actually, I was born in Hyderabad, Deccan, India, in 1944. No one you will find in the alumni community, I think so. When I was 5 year old, we migrated to Pakistan in 1949, and we stayed in Karachi. And we traveled from Hyderabad to Bombay by train, and we traveled from Bombay to Karachi in a ship. And the ship traveling was horrible because it was tidal. Weather is very tidal, and everybody was seasick and lying on the floor. I remember at the age of 5 year old, I remember all around everybody was lying in the hall and they were vomiting and sickness there. That was the period. Then we reached Karachi after 1 or 2 days, and we stayed in Karachi for 3 4 months. Then my father got job in Sakhar, so we moved to Sakhar. फिर एक्चुअली हमारे पेरेंट्स को फिक्र हुई कि अब बच्चों, वी वर 9 ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो इन सबको पढ़ने में लगाना है. तो मैं और मुझसे छोटा भाई, हम दोनों, एक प्राइमरी स्कूल, को एजुकेशन स्कूल था, वी ज्वाइंड देयर. दैट स्कूल वाज अमेजिंग. द टीचर्स वर वेरी डेडिकेटेड. व्हेन वी केम, माय ब्रदर एंड आई केम इन क्लास 4, दैट टीचर वाज अमेजिंग. ही वाज सो नॉलेजेबल एंड डेडिकेटेड. आफ्टर स्कूल He used to teach us maths and prepare us for advanced maths. In those days, he taught us permutation and combination in class 4. ओ माय गॉड, दैट इज स्केरी We learned स्टफ। ये तो बहुत आगे जाके कर रहा हूँ। it. परम्यूटेशन हाँ, एंड कॉम्बिनेशन, ओ माय गॉड। और
हम बीएससी ऑनर्स में जब यूनिवर्सिटी पहुंचे और सिलेबस में देखा ना, वी हैव डन इन ये तो क्लास बचपन फोर में कर चुके हैं। नॉर्मली बस हाउ वर यू एबल टू डू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? यू मस्ट बी लाइक व्हाट 9 10 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। बस हाँ आप भी कर वो 9 10 कराते थे, आप लोग कर भी लेते थे, ये भी हाँ मुझे कर भी मजे। लेते थे, हमें अच्छा लगता था फैक्टोरियल राइटिंग, फैक्टोरियल एंड फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ 5, तो बहुत अच्छा लगता था। अमेजिंग। और फिर फोर्थ क्लास के बाद हमारे स्कॉलरशिप का एग्जाम होता था प्राइमरी स्कूल का, तो वी हैड टू गो टू शिकारपुर, अ डिस्ट्रिक्ट नियर सखर, एंड फॉर 3 डेज देर वॉज एग्जामिनेशन, एंड फॉर थ्री डेज वी हैड टू स्टे देयर। वी इंजॉय द पीरियड बट माई पेरेंट्स डिडंट से एनीथिंग। अ गर्ल अलोन, आई वॉज दी ओनली गर्ल इन माई क्लास, एंड आई वेंट विद द बॉयज, ओनली माई एल्डेस्ट ब्रदर वॉज विद और आप गई और मी, शिकारपुर आप 3 दिन रह फोर्थ बह के एज अ फोर्थ ग्रेडर ग्रेडर एग्जाम नाइन एग्जाम दे टेन के आ गए वापस। और अमेजिंग। एग्जाम ऑफ द सेम टाइप, वी हैव टू पिक द स्लेट एंड चॉक इन अवर हैंड एंड लिसन द व्हाट सम ही इज डिस्क्राइबिंग, वो जो अमेजिंग। सिंपल सम होते हैं ना, देर आर सम ऑरेंजेस एंड सम ऑफ देम, वी नोटेड डाउन एंड वी सॉल्व इट, एंड अमेजिंग। वी वर गिवन 5 मिनट्स एंड देन वी हैव टू पुट द स्लेट्स डाउन, मींस वी डिड दैट। तो एट द इंटेंस सेम मतलब टाइम प्रॉपर टेस्टिंग, टाइम्ड टेस्टिंग। हाँ, जब वो एग्जाम का रिजल्ट आया, वी वर आई वॉज दी अलोन हु क्लियर्ड द स्कॉलरशिप एग्जाम। क्लासिक क्लासिक गर्ल इन द क्लासरूम के वो एक है जो पास हो गई। एक है, और अमेजिंग। लड़के बड़े खफा से थे कि एक लड़की गई पर उसको पास कर नहीं, दिया। लड़के खपा ही रहते हैं वैसे हाँ अक्सर। मैं ये तो मैंने फुलब्राइट के इंटरव्यू के वक्त भी मैंने देखा कि वो बड़े खफा रहते वो खपा हैं रहते हैं। ये अचीवमेंट से दोनों ही। और वो लड़कियों की अचीवमेंट तो देखना नहीं चाहते ना। वो स्कॉलरशिप और माय सेकेंडरी स्कूल क्लासेस तक के लिए, और स्कॉलरशिप का अमाउंट 10 रुपीज पर मंथ, दैट वाज अ ग्रेट अमाउंट, 10 रुपीज। फिर हुआ ये कि सखर में इंडस रिवर में फ्लड आ गया, वी वेंट टू स्पेंड अवर हॉलीडेज टू अवर अंकल एंड ग्रैंड मैटरनल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, वी वेंट एट होम एंड अवर हाउस वॉज कोलैप्स, माई फादर वॉज अलोन बट नो। ही वॉज अलाइव आफ्टर दैट, बट लेटर वी मूव टू कराची बिकॉज ऑफ द एंड फ्लड मेनली। बिकॉज ऑफ द फ्लड वी हाँ कुडंट गो बैक एंड सो वी मूव टू कराची एंड वी स्टेड इन कराची एंड आई थिंक आई गॉट एडमिशन इन NJV गवर्नमेंट हाई स्कूल इन कराची, इट वॉज अपोजिट टू रेडियो पाकिस्तान। एग्जैक्टली। स्टिल हाँ या स्टिल देयर। Still there, and I like the building, and that was a majestic building. यस It एब्सोल्युटली। is still a एब्सोल्युटली majestic building. एब्सोल्युटली। और मुझे ये भी याद आता है कि किस दीवार से मैं फलांगा करती थी और किस तरफ से मैं जाए, और मेरा हेडमास्टर जो है वो मुझे कितना नाराज होता था कि तुम लड़की हो तुम क्या कर रहे। तो आप ये लड़की बताएं कि आपने किस किस वजह से क्या 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 काम करने के लिए आपने स्कूल की दीवार फैला की है?
बस भागते भागते दिल चाह के एक करके देखे, स्कूल की नहीं कॉरिडोर था, कॉरिडोर में छोटी वो थी वॉल्स, उस पे हम छलांग लगा के और बाहर मैदान में कूद जाया करते थे। अमेजिंग अमेजिंग. और तो आपके हेडमास्टर ही कहते थे कि ये क्या, तुम क्या कर रहे हो. हाँ, उन दिनों हमारे हेडमास्टर जो थे वो पारसी हुआ करते थे, हिज नेम वाज रबाडी एंड सिदवा, तो वो लोग बहुत वो होते थे। लेकिन हमेशा लड़कियों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम था स्कूल, ऐसा नहीं था कि भाई को एजुकेशन है तो ये चेक करें लड़के लड़कियां का। हम लोग आपस में खेलते भी थे, सब कुछ करते थे, बहुत अच्छा माहौल था। तो जबरदस्त. मुझे लगता कि वो पीरियड ऐसा था 60s का पीरियड, जिसमें एजुकेशन को फ्लोरिश करने के लिए गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज वर टेकिंग पार्ट, एंड बिकॉज ऑफ आफ्टर वर्ल्ड वॉर देयर वाज सो मच मनी इज कमिंग इन एजुकेशन, एंड यू नो इंटरनेशनली इट वाज डिसाइडेड टू प्रमोट एजुकेशन, एंड सो ऑल द स्कूल्स वर हैव दे एस्टेब्लिश एन एजुकेशनल एनवायरमेंट, एजुकेशनल एनवायरमेंट एंड स्पोर्ट्स वर ऑल्सो देयर एंड आर्ट एंड कल्चर वॉज ऑल्सो देयर, देर वॉज नो बाइंडिंग ऑन डांसिंग और समथिंग लाइक, ये तो कुछ था नहीं कि भाई बच्चों को ये नहीं आना चाहिए वो नहीं। और हम सब के स्कूल में कभी तो लड़के और लड़कियों की एक रेस हुआ करती थी, उसमें देखा करते थे, तो बहुत अच्छा हमने टाइम गुजारा और हमें कभी नहीं लगा कि भाई ये हमारे साथ लड़के हैं और हमें इनसे अलग रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ना कभी पेरेंट्स ने कभी ऐसा, तो उन दिनों ऐसा कोई माहौल नहीं था। मुझे फिर आप ये बताएं कि ये फैसला आपने कैसे किया कि भाई आपको फिजिक्स पढ़नी है. तो थोड़ा सा ये बताएं कि जब आपका इंटरमीडिएट वाली पढ़ाई चल रही थी, तब ये मतलब एक्चुअली पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जो फिजिक्स में इंटरेस्ट है वो किस तरह से डेवलप हुआ. क्योंकि फिजिक्स अच्छी तो फिर भी कुछ लोगों को लग सकती है, लेकिन ये फैसला करना कि इसमें करियर बनाना है, ये थोड़ा सा यानी ये इतना कॉमन नहीं है पाकिस्तान में. तो आपका फिजिक्स में किस तरह से इंटरेस्ट पैदा हुआ, और वो उस इंटरेस्ट ने आपको कैसे मजबूर किया कि आपको पढ़ना है, वो आपको अपना बैचलर्स और वो आगे की पढ़ाई उसमें करनी है. मैंने बताया था ना कि हमारे फोर्थ क्लास के जो मास्टर साहब, हम उनको कहा करते थे मास्टर साहब, ने हमें जो मैथ्स का शौक दिलाया था, जो मैथ करना, तो उस शौक ने मैथ करते हुए मैंने मैट्रिक में भी मैथ लिया था, बायोलॉजी नहीं ली। वो मैथ्स में जो उन्होंने इंटरेस्ट डेवलप किया, और फिर हम जब बीएस उसमें गए इंटर में और हमने पढ़ना शुरू किया तो बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं इंटर में जब हम मैथ्स पढ़ते थे उसमें ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस ये बहुत अच्छी है। और अभी कुछ दिन हुए मैंने फाइनमैन, वो बहुत अच्छा फिजिसिस्ट है था और अभी तक नोबेल लॉरिएट और उसको सब मानते हैं, तो फाइनमैन ने कहा कि खुदा की जबान जो है वो कैलकुलस है, तो उसकी ये बात मैंने मुझे बहुत अच्छी लगी कि वाकई जब ही तो हमें नेचर को समझने में हमें मैथ्स और वो कैलकुलस का आना जरूरी है, वो उसकी बात मुझे अब पता चली, जबकि मैं खुद ही मैथ्स को अच्छा समझते हुए
तो फिजिक्स में इंटरेस्ट इस तरीके से डेवलप। आपने भी ये जिक्र किया कि आपने आपने ऑनर्स जो है फिजिक्स में किया, और आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी अपने भाई के साथ भी पढ़ते हुए कि जो चीजें आपने चौथी जमात में पढ़ी थी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, वो आप बीएससी में भी कर रही थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपना जो ऑनर्स है और जो मास्टर्स है वो कहाँ से किया, जब आप फिजिक्स पढ़ रही थी तो आपने कहाँ से किया, और उस वक्त क्लासरूम डायनामिक्स क्या थी? क्या बहुत सी लड़कियां भी फिजिक्स पढ़ रही थी उस वक्त? लड़कियां कम थी, कम थी तो कितनी कम थी? ये अगर आप हमें एक मंजर बता सकें तो बहुत हेल्पफुल होगा। उस वक्त जब हम एडमिशन के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ के चेयरमैन डॉक्टर मुश्तबा करीम, उनको पसंद नहीं था कि लड़कियाँ फिजिक्स में आए या एक अकेली लड़की आए। तो जो मैंने बताया ना, मेरी दोस्त नुजहत आगत, वो गई तो उन्होंने कहा कि अकेली लड़की को मैं एडमिशन नहीं देता। और फिर वो बड़ी परेशान हुई, उसे कहा इंटरेस्ट फिजिक्स में। फिर जब मैं गई तो वो इतनी खुश हो के मुझसे मिली कि तुम आ गई तो मेरा भी एडमिशन हो जाएगा, तुम्हारा भी एडमिशन। फिर हम दोनों मिलके गए और फिर हमारा एडमिशन भी हुआ। तो और ये इस यूनिवर्सिटी तरह ऑफ कराची की बात है। कराची यूनिवर्सिटी। ऑनर्स के बाद मैंने एमएससी किया। एमएससी में मेरी सेकंड पोजीशन थी और मेरे साथ हम तीन लड़कियां थी। पहले फर्स्ट ऑनर्स में हम दो लड़कियां थी, फिर एमएससी में दो और आ गई थी, उसमें से एक चली गई फिजिक्स छोड़ के। तो हम तीन लड़कियां थी जिन्होंने एमएससी पास किया। हम तीनों ने मिलके कोशिश शुरू की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर, और इसी कोशिश में लगे थे कि फिर हम लोगों की शादियां भी हो गई। तो मेरी दोस्त जो ऑनर्स में मेरे साथ नुजहत आगा थी, उसने उसकी बेटी पैदा हुई, और जो दूसरी इसी लड़की थी अर्जुमन बानो, उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। मैं मिसकैरेज हो गया मेरा। सॉरी, और सोचे मिसकैरेज होने के बाद में स्कॉलरशिप पे भी गई और एक्सपेक्टिंग ए बेबी, मैंने वो भी एक हिम्मत कर ली और चली गई। बहरहाल हम तीनों कोशिश करते रहे, और मजे की बात ये कि हम तीनों गए वहां पढ़ने के लिए शादी के बाद। ये वो जमाना था। तो अब मुझे मैम ये बताएं कि आपने ये जिक्र किया कि मेरी तीन दोस्तें, मतलब हम तीन लड़कियां होते थे क्लास में, आई एम श्योर दोस्त आपके लड़के भी थे विच इज गुड, लेकिन आपकी जो तीन यानी ये जो लड़कियां थी क्लास में, इन्होंने सोचा कि स्कॉलरशिप ढूंढ ली जाए। अब आप जरा हमें उस दुनिया में लेके जाएं कि 1960s है, मिड 60s है, पाकिस्तान है, और तीन लड़कियां हैं और फिजिक्स डिपार्टमेंट है एक यूनिवर्सिटी का, ये स्कॉलरशिप ढूंढी कैसे जाती थी उस वक्त? बस हमें वो लेने थे, प्रॉस्पेक्टस की तलाश होती थी। लाइब्रेरी में पुराने मिलते थे, अपडेट हमें कॉन्सुलेट्स में मिला करते थे, और जर्मन कॉन्सुलेट जाते गोएटे इंस्टीट्यूट, तो वहाँ हमें जर्मन लैंग्वेज में मिलती थी, तो वो हमें ज़्यादा ब्रिटिश काउंसिल में हम लोग बहुत जाया करते, अपनी स्टडीज के लिए भी और उसके लिए भी। लेकिन यूनिवर्सिटी से वहाँ तक ब्रिटिश काउंसिल पहुँचना और यूएस काउंसिलेट पहुँचना बहुत लंबा रास्ता होता था, और हम लोग दो दो बसें बदल के पहुँचा करते थे। फिर हमारे अब्बा भी साथ चलने लगे, और वही होता था कि बस में बैठे, फिर वहाँ फवारा चौक पे उतर गए, फिर वहां से पैदल चले, तो वो कॉन्सुलेट पहुंच के वहां से निकाल के प्रॉस्पेक्टस, और फिर वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते थे तो वो अच्छा लगता था घर लाके और बैठ के इत्मीनान से देखे। तो यूनिवर्सिटीज में हम अप्लाई करते रहते थे, लेकिन हमारी अम्मा का ये था कि भाई ऐसे नहीं जा सकते,
शादी करना है। मैंने कहा अच्छा भाई हम कर लेंगे शादी भी कर लेंगे ये भी कर लेते हैं। ये भी कर लेते, शादी के बाद ये भी किया। और फिर हम पहला तो मेरा मिसकैरेज हुआ, और लेकिन फिर मैं भी चली गई। हालांकि मैं समझ रही थी कि एक मिसकैरेज हुआ और इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं चली गई। और सेंट लुइस में ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, तो वहाँ का जो सुपरवाइजर था, एडवाइजर सामने डॉक्टर एजार, वो बहुत अच्छा। उसने कहा कोई फिक्र की बात, जब मैंने बहुत मेरी मॉर्निंग सिकनेस जो है बढ़ गई और मैं उससे कहती थी मैं क्लास में अब नहीं आ सकती अब, तो उसने कहा, मैंने कहा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। उसने कहा यहाँ सेंट लुइस यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है, यू कैन गो देयर एंड चेक करवा लो, चेकअप करवा लो। उसकी एडवाइस पे मैं जाती थी, चेकअप भी करवा लेती थी। कहने लगा यहाँ अमेरिकन वुमेन के लिए ये कोई बात नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, वो इतनी एनर्जेटिक होती है, वो सारे काम कर लेती है। मैंने कहा चले हम भी करें। फिर जब मैं अपना कोर्स करके मिशिगन जाने लगी, तो उसने बहुत अच्छी एडवाइस दी कि रजिस्ट्रेशन के बाद तुम अपने एडवाइजर को बताना कि यू आर एक्सपेक्टिंग ए बेबी, रियली और हाँ अच्छा। उससे पहले ना बताना, तो रजिस्ट्रेशन पहले करा लो उसके बाद बताना। वाह फिर उस तो वो डॉक्टर हेन्स जो है वो काफी एजेड था, और वो हाँ हाँ करके जब उसे मैंने बताया तो वो एकदम परेशान, हाँ रियली। खैर, और मैं जा रही थी टर्म खत्म करके दिसंबर 1973, 12 दिसंबर को हमारी टर्म खत्म हो रही थी। मैंने अपने सारे असाइनमेंट पूरे किए, और फिर हम टाइपराइटर हमने खरीदा छोटा सा, जिसपे मैं अपने हस्बैंड को बिठा देती थी कि ये लिख लो जरा, जो मेरे डिसर्टेशन है ये लिख लो। वो टाइप भी करते थे और इंग्लिश की बेतहाशा गलतियां भी निकालते थे कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम कैसे यहाँ आ गई। आप कहती तुम्हें तो बहरहाल, इसीलिए साथ लाए हैं ना कि आप ठीक हाँ करें। टाइप कर देती थी, टाइप करके और सबमिट करके। 12 दिसंबर को सबमिट किया, 13th को शाम में मैं जाके एडमिट हो गई, 14th को सी सेक्शन से मेरी बेटी ओ पैदा माय हो। गॉड, मुझे तो ये सोच के ही मतलब दर्द हो रहा है। ओ माय गॉड, दैट साउंड्स हॉरिबली डिफिकल्ट। आई मीन यू बिकेम अ मदर, दैट्स अमेजिंग, लेकिन तो मुश्किल काम लग रहा है मुझे कभी। जब आपकी बेटी हो गई, जब आप एक मदर बन गई, तो उसके बाद उस वक्त यानी 1970s में, दिस इज 1973 दिसंबर, उस वक्त कि अमेरिका में आपको किस तरह के चैलेंजेस पेश आए आफ्टर बिकमिंग अ मदर, और आप उस वक्त पढ़ भी नहीं थी, और क्या उस वक्त जो अमेरिकन एकेडमिक सिस्टम था वो इस सांचे में ढला हुआ था कि एक न्यू मॉम को हेल्प कर रहा है, या ऐसा कुछ नहीं था और सब आपको उतना ही रगड़ा दे रहे थे जितना किसी दूसरे स्टूडेंट को मिलता था? बिल्कुल बिल्कुल, उनका यही था कि वी डोंट केयर व्हाट यू हैव प्रॉब्लम, यू हैव टू कम टू फॉर स्टडी एंड यू हैव टू स्टडी अटेंड द क्लास। सो यूजुअली माय क्लासेस स्टार्ट्स फ्रॉम 8 AM, और मैं उठ जाती थी जल्दी जल्दी। और फिर इत्तेफाक से हमें बेबी सिटर भी मिल गई थी चाइनीज, वो बहुत अच्छी लड़की थी यंग, तो उसके पास मैं सुबह ले जाके छोड़ देती थी, फिर वो फीडिंग वगैरह करती और बड़ी शिकायत करती थी, शी इज वेरी मेसी, मेस बहुत करती। तो हाँ वो
यहाँ क्यों करती हूँ। बहरहाल तो क्लास के बाद फौरन मैं भाग के आती, फिर मैं उससे अपनी सोफिया को देखती, सोफिया से प्यार करती, फिर उसके बाद छोड़ के फिर मैं चली जाती दूसरी क्लास के लिए। इस तरह हमारी क्लासेस चलती, और फिर शाम को मैं लाइब्रेरी में बैठ जाती। तो वो तो उस वक्त तो मेरे हस्बैंड होते थे, वो देखते थे। हाँ तो मैं लाइब्रेरी में बैठी थी, तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड सोफिया को लिए चले आ रहे हैं, उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, और खुद नजर की आंखों में आंसू भरे हुए। मैं कहीं क्या हुआ, ये गिर गई पलंग से। फिर हमने जल्दी जल्दी इसको किया, मैंने कहा चलो डिस्पेंसरी चलते हैं। हम गए डिस्पेंसरी, वहाँ फिर डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं, नर्स थी, ने कहा सब ठीक है, चीज ओके। घर आए तो बहुत महसूस हुआ कि इसको छोड़ के मैं चली आई और ये इस तरह गिर गई। तो ये एक हादसा हो गया था जिसमें हम दोनों बहुत परेशान। फिर बाद में तो वो बहुत केयरफुल रहने लगे, ऑब्वियसली ये मतलब आप गिर फर्स्ट रहे। टाइम पेरेंट्स थे तो आप सीख रहे थे, ऑन द जॉब सीख रहे थे. व्हेन यू बिकेम अ मदर, तो मदरहुड ने आपको कैसे चेंज किया या आपकी पर्सनालिटी कैसे इवॉल्व की? बस मैं कहती थी इनका काम जल्दी से कर लो, खिला दो पिला दो नहला दो सुला दो, हो जाए, मैं अपना काम कर लो। बस यही, और मैं कहती थी यही सोचते सोचते रात के 11 बज जाते हैं, ये काम पूरा नहीं होता। ओह हाँ, क्लासिक. कॉलेज के लिए जब निकलती थी सुबह तो बहुत वो रहता था कि बहुत सारे काम करने, इनके फीडर भी बना के रखने हैं, और इनका सब नेपी वगैरह सब जगह पे रखनी है, और फिर मैं अपनी सांस पे छोड़ के चली जा। तो अक्सर कॉलेज में पूछते तुमने अपनी सास पे अपने बच्चों को छोड़ा, तो मैंने कहा भाई उन्होंने इतना बड़ा करके अपना एक बेटा मुझे दिया है, तो अभी उसके बच्चों को क्यों नहीं संभाले, तो संभालेंगी। और वाकई वो बहुत अच्छी था, वो एक्सेप्शनल थी, बहुत अच्छा है उन्होंने रखा मेरे बच्चों। और आप फिर ये जो मॉम तो गिल्ट होती बस है, इसको आप इससे कैसे डील करती थी? क्योंकि आप एक ऐसे टाइम पे पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में 70s में कोई औरतें नहीं थी प्रोफेशनल जो घर से बाहर निकल के काम नहीं करती थी, और हम ये भी नहीं कह रहे कि जो औरतें घर में काम करती हैं वो फारिग होती हैं, वो भी पूरा दिन सुबह से रात तक एक पूरा मशीन को चला रही होती हैं वेल ऑयल्ड तरीके से. लेकिन जाहिर है कि उस वक्त कम, आज के मुकाबले में कम औरतें होंगी जो घर से निकल के एक फुल टाइम जॉब करती होंगी. तो उस वक्त आपके जैसे अगर और औरतें नहीं थी आपके इर्द गिर्द या आपके फैमिली के स्ट्रक्चर में, तो जब आप रोज आना अपना काम करके वापस आती थी, और आपके आप पेरेंट भी थी उस वक्त, तो उस वक्त अपनी गिल्ट को कैसे बैलेंस करती थी? कि आपको गिल्ट होती थी, और अगर होती थी तो उसको आप कैसे आपने डील किया है थ्रू आउट योर लाइफ? मगर मैं कहूंगी कि 70s में बहुत ज्यादा औरतें निकली और जॉब करती थी, और अच्छा खासा अपने यानी अपने घर को सपोर्ट भी करना और कंट्रीब्यूट करती थी फाइनेंशियल, उसमें तो ऐसी बात नहीं थी। और उस जमाने में 70s में मैंने देखा कि लड़के भी पसंद करते थे जो ऐसी लड़कियों को जो जॉब करती, और फिर उनका अपना घर का एक स्ट्रक्चर होता था जिसमें वो बच्चों को छोड़ना, जहाँ छोड़ना जहाँ ले जाना, या घर में घर के डेली चोर्स किस तरह पूरे करना वो करती भी थी। तो बस मैं जब छोड़ के चली जाती थी तो मुझे तरस भी आता था कि ये देखते हैं मेरे बच्चों को बहुत अच्छा वो करते हैं, मगर बस उस पे वो थोड़ा गिल्ट तो कि आज बहुत काम किया, आज कोई किस्सा सुना दिया कि आज ये हमारे कॉलेज में ये हो गया और वो इस तरह की बात
हुई हैं शहर में, तो वो भी जरा उनको सुना के उनको अपने साथ मिला के, बस यही तरीका था। गिल्ट तो फील करते थे सुबह जाते वक्त भी कि सुबह बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं और बच्चे रो रहे हैं, लेकिन छोड़ दिया, तो उनको भी हमारी सास को भी डांटने का मौका मिल जाता था, तुम क्यों सामने खड़ी रहती हो इनके, तुम जाओ अपने। हाँ ये भी सही है तो वैसे कि उनकी अब जाना है डांट तो जाओ, चीते अब अब गिल्ट भी फील कर रहे हैं जाना भी है। गुड, आई लाइक योर अप्रोच कि अब खड़े हुए क्या हो भाई, सामने अब जाना है जाओ तो जाओ। जाओ, तो उनको एक मुझे डांटने का मौका भी मिल जाता था कि चलो इसको भी डांटो। यूं चलता रहता था जबरदस्त, सिलसिला। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा सवाल ये है कि जब आपने मास्टर्स कर लिया और एक तरफ आप अपनी स्कॉलरशिप्स वगैरह ढूंढ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप डायरेक्टली जॉब मार्केट में भी एंटर हो गए, तो थोड़ा सा ये हमें बताएं कि आपकी जो पहली जॉब थी वो किस तरह की थी, और क्या उस जॉब में बहुत ज़्यादा औरतें पहले से मौजूद थी, या वो ऐसा सेक्टर कंसिडर किया जाता था जिसमें औरतें मुश्किल से मिलती थी हायर करने के लिए? वो वेमेन कॉलेज था और उसमें फिजिक्स के टीचर, कोई वेमेन टीचर नहीं थी वहाँ पर, मेल टीचर आते थे और वो पार्ट टाइम पढ़ा के और चले जाते, तो प्रिंसिपल को फिक्र भी होती थी। जैसे ही मैं गई वो बहुत खुश हुई। फिर प्राइवेट कॉलेज था वो, तो उन्होंने मुझसे बार्गेनिंग शुरू की कि हम तो इतने पैसे देते हैं। मैंने कहा नहीं, जो स्केल है वो मैं लूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं। और स्केल भी 350 का स्केल था, ₹350, वो भी उनको देना गवारा नहीं थे। कह नहीं हम नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं फिर कहीं और चली जाती हूँ। खैर उन्होंने फिर मुझे उस स्केल पे रख लिया, तो मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट की हेड भी रही और पढ़ाना भी शुरू किया। शुरू में मुझे बड़ी उलझन होती थी पढ़ाने से। एक तो मैं बस सरसरी मैंने किताब से देखा और फिर मैंने उसको क्लास में जाके बता दिया, क्योंकि ये मुझे आता है ये समझ के मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर इतना डीप मैंने उसमें सब्जेक्ट में जाना, क्योंकि कोई ट्रेनिंग तो थी नहीं, मैं समझती थी कि मुझे आता है, मुझे ये मालूम है ये क्या है और मैं इनको बताना है मैं बता दूं। खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं अमेरिका पहुंची और मैंने देखा कि कितना डीप लोग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और फिर पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, तो अपने टीचर्स को जो मैंने देखा कि बहुत मेहनत करते हैं, और उनका तरीक़ेकार ये था कि एक दफ़ा टॉपिक पढ़ा दें, फिर दूसरी दफ़ा बाकी दिनों में रेसिटेशन क्लासेस होती थी, तो वो भी मुझे हमारे सुपरवाइजर ने दी थी कि कुछ रेसिटेशन क्लासेस लो। तो रेसिटेशन क्लासेस में जो एक्सरसाइजेस वगैरह होती थी वो करवाना पड़ती, उससे मैंने बहुत सीखा कि अब हमें डीपली पढ़ाना चाहिए। आने के बाद तो बहुत बुरा हाल हुआ, जब मैं आ गई और मैं ज्वाइन करने गई, तो उस वक्त हमारा कॉलेज जो है वो नेशनलाइज हो गया था, गवर्नमेंट कॉलेज बन गया था, ओह तो मुझे सेक्रेटरिएट से परमिशन लेना पड़ती थी, और सेक्रेटरिएट जब मैं गई और मैंने कहा मैं अपो कॉलेज से गई हूँ और मुझे आप मेरी पोस्टिंग वहाँ कर दें, तो बहुत देर में कई दिनों के चक्कर काटने के बाद वो मिले और उन्होंने कहा कि आपने हम पे एहसान किया है, आप अमेरिका से क्यों आ गई। ओह इतने सारे मतलब ऐसे ऐसे बेतुके चैलेंजेस आते हैं कि बिल्कुल आप कुछ बोल भी नहीं सकते। कह लेंगे हमने आपसे कहा था कि आप वापस आए, तो तो फिर किसी का हमने कहा दिल ही क्रश हो जाए, किरची किरची हो जाए टूट के, कि ये हाँ क्या मैं बिल्कुल, अभी अपनी मिशिगन एक स्टेट तो यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके आई हूँ ये बकवास हाँ, सुनने के लिए। और यही कि हम वहां से जब आते हैं ना तो बहुत शौक से आते हैं कि अब हम ये करें,
और ये इस तरह करेंगे, अब पढ़ाई को यूं बदल देंगे। पा खुद एक तो हमें अंदाजा था कि हमने कैसे पढ़ाया, उससे बेहतर तरीके से पढ़ाया, बिल्कुल वो एक शौक तो आहिस्ता से खत्म कर दिया जाता है आपका ब्यूरोक्रेसी। और फिर कोशिश ये की गई, अच्छा कुछ दिन इस कॉलेज चले जाएं, बहुत शौक हो रहा है ना, तो फलाने कॉलेज जाके पढ़ाएं, वहां चले गए। फिर उसे फिर पोस्टिंग होके नहीं दे रही, फिर बड़ी मुश्किलों से 1.5 साल बाद मेरी पोस्टिंग अपवा कॉलेज ही में की। फिर मैंने वहां से, जब इतनी फ्रस्ट्रेट हुई, तो फिर मैंने यूनेस्को में और उसमें लिखना शुरू कर दिया कि फिजिक्स को हमें, फिजिक्स की पढ़ाई इम्प्रूव करनी चाहिए, और फिजिक्स जो है बच्चों के लिए एक्साइटिंग हो, फैसिनेटिंग हो। और ये मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि जब आप वापस आई तो आपने जाहिर है आप एक नए जज्बे के साथ वापस आई, एक नए स्किल सेट के साथ भी वापस आई, क्योंकि कहाँ आप समझती थी कि फिजिक्स आती है तो पढ़ा देंगे, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिकली वाजे हो गया कि एक चीज को जानना और उसको पढ़ाने में बहुत फर्क है, जो कि वाकई बिल्कुल में ट्रू है रहा है। मतलब नहीं तो हर हर टीचर तो मैथ टीचर नहीं अच्छा होता, क्योंकि मैथ कॉम्प्लिकेटेड है और उसको समझाने का एक तरीका है, वो नहीं होता तो वी ऑल ग्रो अप हेटिंग मैथ फॉर एग्जांपल, राइट? कि बड़ा फर्क होता है, आपको अच्छा उस्ताद मिल जाए किसी किसी सब्जेक्ट का। तो वापस आप आई तो एक तरफ तो ये वाली बैटल्स हो रही है कि कोई आपको कह रहा है कि भाई कोई आपने एहसान नहीं किया कि आप वापस आई हैं, लेकिन एक क्लासरूम लेवल पे क्या आपको रिसोर्सेज में भी मतलब कमी नजर आ रही थी कि मेरे पास ये चीजें तो अब है ही नहीं कि मैं अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं, या आपने आप एक ऐसी ट्रेनिंग हासिल करके आई थी कि जिसमें रिसोर्सेज की कम और यहाँ मतलब एक सोच का ही ज्यादा किरदार था? रिसोर्सेस की तो कमी थी, और वहाँ तो मतलब ये कि प्रेजेंटली भी हमारे क्लासरूम में फैसिलिटी क्या होती है, एक ब्लैक बोर्ड होता है और चॉक और डस्टर। तो बिल्कुल वो अगर आपको, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ब्लैक बोर्ड पर भी बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे गैजेट्स हों और उनको दिखा के और फैसिनेट करें, अट्रैक्ट करें, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वो टेक्निक आनी चाहिए। और फिर वो टेक्निक ऐसे नहीं कि मैं अपनी क्लास में जाऊं और कर लूं, बल्कि वो टीचर्स के साथ मिलके डिस्कस करके एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो। तो हमने सोचा कि सेंटर फॉर फिजिक्स एजुकेशन होना चाहिए, और सेंटर फॉर फिजिक्स एजुकेशन के लिए डॉक्टर सलाम को लिखा, इसको पैटर्नाइज करें। तो फिर उसको उन्होंने पैटर्नाइज किया, वो सिर्फ अपवा कॉलेज के प्लेटफॉर्म पर सेंटर फॉर फिजिक्स एजुकेशन था। जब मैं रिटायर हुई तो मैंने कहा कि अब इस सेंटर को कहीं किसी जगह इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए फिर रजिस्ट्रेशन भी करनी थी, तो गवर्नमेंट ऑफ सेंट से रजिस्ट्रेशन करवाई, और रजिस्ट्रेशन हो गई। तो हम ये कहते हैं कि वो एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है जो एग्जिस्ट करता है, और ये और इसका एक 2004 से इंडिपेंडेंट ऑफ अपवा कॉलेज चल रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ अपवा जी कॉलेज गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जो मैंने वर्कशॉप की थी, उसके लिए मैंने प्रोफेसर सलाम को लिखा, वो बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा फिजिक्स के लिए करना है, बहुत करो, और मैं चाहता हूँ कि फिजिक्स एजुकेशन इम्प्रूव हो। तो वो एक अच्छा हमें वो मिला। फिर जब मैंने 1991 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई, तो मैंने प्रोफेसर सलाम को लिखा कि मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करानी है, और उसमें मेरे गेस्ट स्पीकर ये होंगे। तो उन्होंने जो है वो कह दिया कि उस उनका ट्रेवल एक्सपेंसेस वो देंगे। तो उन्होंने वो ट्रेवल एक्सपेंसेस ये,
और फिर उनके ट्रेवल एक्सपेंसेस जो है वो उससे हमारे पास बहुत अच्छे गेस्ट स्पीकर्स आए, जर्मनी से और हंगरी से और अमेरिका से, फिलीपीन से, मलेशिया से, और डॉक्टर गुलशन टर्की से। इस तरह हमने स्पीकर्स के ट्रेवल होने की वजह से एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ। कहाँ कॉलेज के और स्कूल के टीचर्स इंटरनेशनल लेवल पर इंटरेक्ट करते हैं, तो ये एक अच्छा मौका मिला उन्हें। अब तो ऑनलाइन बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन उस वक्त तो ये मीटिंग करना ही बहुत बड़ा वो रहा। और उसके बाद हमने सोचा कि एक सेंटर बनाना चाहिए उन्हीं टीचर्स के साथ जो मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में शरीक होते। फिर हमने इस्टेब्लिश किया एक सेंटर फॉर फिजिक्स एजुकेशन, और सेंटर फॉर फिजिक्स एजुकेशन के लिए फिर डॉक्टर सलाम को लिखा कि इसको आप पैटर्न इन चीफ बन जाइए। तो वो बहुत खुश हुए, वो एग्री कर गए, और उन्होंने कहा कि मैं ट्रेवल नहीं कर सकता और मैं आई एग्री टू बी पैटर्न इन चीफ। तो वो अब तक हमारे पास हम लगाए रखते हैं वो रियली वाह, बिल्कुल सीने पे कि बनता पैटर्न है वो इन तो। चीफ। हाँ, हाँ, और आपकी उनसे, आपकी डॉक्टर अब्दुल सलाम से कभी मुलाकात हुई हो सकी? हुई। ओ और प्लीज वो बताएं, वो क्या, किस तरह की, हाँ, व्हाट वाज ही लाइक? आप प्लीज उस मुलाकात के बारे में बताएं और उनकी शख्सियत के बारे में भी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अब आप हमें दें डॉक्टर सलाम के हाँ, बारे में। डॉक्टर सलाम के तो हम बहुत ही फैन थे। और डॉक्टर सलाम की तो वो जब पाकिस्तान आए तो एक मरतबा उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में लेक्चर दिया सिमेट्री पर। तो उस वक्त तो हम उनको देखकर ही फैसिनेट होते हाँ, रहे कि भाई डॉक्टर सलाम आ गए। और फिर वो बाद में आए, मेरा ख्याल है किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने उनको इनवाइट किया था। तो फिर वही डॉक्टर सलाम के पास से मुझे इत्तला मिली कि उसमें ये जो है हॉलीडे इन में हमारी कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, तो मैं वहां गई, वहां मुलाकात हुई मेरी। तो बस उनसे जब किसी को देख लेते ना जिसको हम कभी वो करते, तो कुछ बोला भी नहीं जाता है कि डॉक्टर साहब, बस डॉक्टर साहब ही करते रहे लेकिन स्टार स्ट्रक वो हो जाते हाँ। हैं। हाँ, और फिर जब मैंने बहुत सारे वो किए ना, तो वर्कशॉप्स वगैरह की, तो मुझे लगा चेंजेस नहीं आ रही। तो मैंने उनको लेटर लिखा डॉक्टर सलाम को कि मैं इतना कर रही हूँ, आप भी तारीफ करते हैं और लोग भी इंटरनेशनली तो बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ कोई तब्दीली नहीं आ रही। और तो उन्होंने लिखा कि इफ यू डोंट डू एनीथिंग नोबडी विल केयर, सो कंटिन्यू डूइंग समथिंग। और तो मैंने कहा अच्छा चले, ये तो बड़ी हिम्मत की बात। वो लेटर मैंने सब उनके फ्रेम करके अपने सेंटर में लगा रखे हैं। अमेजिंग भाई, ये तो मैं तो देखना चाहती हूँ ये लेटर्स। हाँ, जरूर आना, जरूर आना। हाँ, अमेजिंग, यानी बेसिकली उनका लेसन ये है कि भाई आप कुछ करते रहें, आप ये सोच के ना रुकें कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं पा रहा मेरे कुछ हो काम नहीं, से, वो इमीडिएटली खुद नहीं हो। हो। हाँ, वाह, तो हम करते रहे। और फिर बस, और आपको एक मजे की बात तो बताना भूल गई मैं, कि जब मैं पढ़ा रही थी तो लड़कियां सिर्फ प्री मेडिकल लेती थी, प्री इंजीनियरिंग में मैथ्स लेना उनको बहुत। तो मैंने लड़कियों को मोटिवेट किया कि भाई मैथ्स का, तो बहुत सारी लड़कियां खुश हुई। मैंने उनसे कहा एक एप्लीकेशन लिखो, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी। वो एप्लीकेशन लेके मैं सेक्रेटरी के पास गई कि आप हमें एक खोलने दें, मैं मैथ्स ग्रुप कॉलेज में मैथ्स ग्रुप खुल गया। तो लड़कियां बड़ी खुश होके, हम प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में हैं, तो करने लगी। जब वो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से उन्होंने एंटर किया, तो मुझे ख्याल आया कि बीएससी में भी फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए।
मैंने एक डॉक्टर सलाम को लिखा कि यहाँ मेरे पास लड़कियां हैं और इन लड़कियों को मैं वो करवाना चाहती हूँ, फिजिक्स एजुकेशन, वो बीएससी फिजिक्स में। तो फिर ये 80s, लेट 80s की बात है, तो उन्होंने वो कर दिया, ओके कहा कि बहुत अच्छा बात, अच्छी बात है, और ये सब बातें उन्होंने की। और उन्होंने किताबें भी भेज दी कि मैं यही कर सकता हूँ। खैर फिर मैंने यूनेस्को को लेटर लिखा कि गर्ल्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस ये है, फिजिक्स मैथ्स में भी ऐसी करें। मैं वो, और एप्लीकेशन को जाना था थ्रू प्रॉपर चैनल, मैं गई, मैंने डायरेक्टर को एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने नाराज हुए, कहने लगे ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं उठ गई वहां से, मैंने वहां जो क्लर्क बैठा था, मैंने कहा देखो ये तुम कॉपी रखो और यहाँ साइन कर दो कि रिसीव किया है तुमने। उसने कर दिया रिसीव करके, मैं वो एप्लीकेशन ले आई, वो डायरेक्ट मैंने यूनेस्को को भेज दी। यूनेस्को ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को लिखा कि हम आपको इतनी ग्रांट देते हैं, इस कॉलेज को ग्रांट दीजिए बीएससी फिजिक्स खोलने के लिए। और मैंने अमाउंट भी लिखा कि इतना। अच्छा, वो उन्होंने लेके वहां लिख दिया, सेक्रेटरी को भेज दिया, इकोनॉमिक डिवीजन में गया, और इकोनॉमिक डिवीजन से सेक्रेटरी एजुकेशन के पास आया, वो नाराज हुए, उन्होंने डायरेक्टर को लिखा कि ये कहाँ से एप्लीकेशन गई है। मैंने तो सबमिट कर दिया था थ्रू प्रॉपर चैनल, आपने क्या किया मुझे नहीं मालूम, ये रसीद है मेरे पास। तो वो बड़े बहुए बहुत परेशान। खैर फिर सेक्रेटरी ने कहा कि कहीं से तुम पूरा करो इसके पैसे। फिर वो निकाले गए कोई 3 लाख रुपए, और फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के सामान आया, फिजिक्स लैब सेट हुई और बीएससी शुरू हो गई हमारे कॉलेज। जबरदस्त। चाहे फिजिक्स एजुकेशन हो चाहे जनरली फिजिक्स पढ़ना हो, पाकिस्तान में लड़कियां और औरतें हमें फिजिक्स में क्यों नज़र कम आती हैं आपके ख्याल में? इसके क्या रीजंस हैं? क्योंकि कहने को तो फिजिक्स कॉलेजेस में भी पढ़ाई जा रही है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जा रही है, आपके ख्याल में ज़्यादा लड़कियां क्यों नहीं जाती हैं फिजिक्स में? मतलब मुझे तो लगता है कि वो इंटरेस्ट स्कूल लेवल पे ही टेपर ऑफ होने लगता है, तो क्या प्रॉब्लम अभी है? नहीं, रिसेंटली 21 में हमने वो की, 21 और अभी 23 में वुमेन इन फिजिक्स की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो स्टेटिस्टिक्स दी, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में कराची यूनिवर्सिटी में लड़कियां ज़्यादा हैं लड़के कम। ओके। उसकी वजह ये कि लड़के कमर्शियल एजुकेशन की तरफ चले गए, और बेसिक साइंसेज में वो कम है, और लड़कियां अपने शौक से पहुंची। ठीक अब है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं गुजरती हूँ तो, जाती हूँ तो कहती हूँ मिस हम आपसे, हमने इंटर में पढ़ी थी फिजिक्स, मैंने कहा बहुत खुशी हुई तुम लोग यहाँ पहुंचे। तो लेकिन ये लेकिन फिर हमारे पास औरतें फिजिसिस्ट तो नहीं है, तो यूनिवर्सिटी से निकल के फिर ऐसा क्या हो रहा है कि हम इतनी औरतों को फिजिक्स में काम करते हुए तो नहीं देख रहे? चाहे वो फिजिक्स पढ़ा रही हो, चाहे वो फिजिक्स की रिसर्चर हो फॉर दैट मैटर, वो कहाँ जाती है आपके मुशाहदे में? वो तो टीचिंग में जाना पसंद करती है, और टीचिंग ही प्रोफेशन ऐसा है जिसको पेरेंट्स भी पसंद करते हैं और लड़कियां भी पसंद करती हैं, वो रिसर्च भी करना चाहती हैं, लेकिन फैसिलिटीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि लड़कों के लिए भी फैसिलिटीज नहीं है, कहाँ वो रिसर्च कर पा रहे, इसीलिए तो वो फिजिक्स में एमएससी करने नहीं आ रहे। और जो एमएससी करने के बाद रिसर्च करने, या एमएससी में उसकी पढ़ाई को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो पूरी तो नहीं मिल रही, तो उसकी वजह है कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स में और इसमें वो फैसिलिटीज एक्सपेरिमेंटल की है ही नहीं।
और अगर थ्योरेटिकल फिजिक्स में करवाना है तो थ्योरेटिकल फिजिक्स में उतने अच्छे टीचर्स नहीं है। देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम सब औरतें किसी ना किसी पॉइंट पे इस तरह की जंक्चर्स पे पहुंचती हैं, इस तरह की जंक्शन पे पहुंचती हैं लाइफ में, जहाँ हाँ हमें दो तीन पॉसिबिलिटीज नजर आ रही होती हैं कि चाहे तो ये भी कर लें, चाहे तो थोड़ा सा बैठ भी जाएं, तो कोई आके हमें कहेगा नहीं कि जाओ जाओ जाके अपना MSc करो या PhD करो या फलाना करो। तो उस मोड़ पे हमारे यहाँ और यहाँ क्या होना चाहिए कि हम उस चीज को कर गुजरें जो हम एक्चुअली खुद करना चाहते हैं, ना ये कि वो जो हमें सिस्टम कह रहे हो कि छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं होता, इन 2 साल में क्या रखा है, बैठ भी जाओ तो हाँ कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप कॉलेज में तो पढ़ा रही थी, पढ़ाती रहती हैं, एक सरकारी जॉब थी, चल ही रहा था मामला, मास्टर्स भी था आपके रहा। पास, बट टेक अस टू द पॉइंट के व्हाट डज इट टेक हेयर टू डू इट एंड नॉट टू लिसन टू अदर्स। मैं मतलब आपके ख्याल में कितना जरूरी है हिम्मत करना? जब मैं गई वहां और मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी और काफी दूर दूर प्रेगनेंसी में चल लास्ट डेज में चलना भी पड़ता था, लेकिन चलती भी थी और फिर परेशान होके कभी वही मिशिगन स्टेट में ही घास पे लेट जाती थी थोड़ी देर को और फिर कहती थी अब नहीं करना है, अब नहीं निकलूंगी। इस तरह जो सोचती है ना वो करें और फिर किसी दूसरे पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस का इल्जाम किसी दूसरे पे ना दें, खुद अपने आप ऑन करें कि हाँ ये मैंने किया था तो ये हुआ है। वो अगर आपने अपने दिल और दिमाग को इस चीज पे कर लिया तो आप सब कुछ कर सकती, डटी रह सकती है। अब हाँ हिम्मत तो ये पकड़नी कि भाई मैं अपने शौक से आई हूँ और मैंने ये खुद पढ़ने का इरादा, तो अब मुझे अब चाहे सुपरवाइजर कहे जो भी कहे कि ये पढ़ना है ये काम करना है तो मुझे करना होगा अपने, तो अचीवमेंट भी तो कोई है ना मुझे कि ये स्कॉलरशिप के लिए मुझे करना है। तो मैंने तो मेरी बेटी सोफिया तो 30 डेज की थी, लेस देन 30 डेज, और जनवरी में सेमेस्टर शुरू हुआ तो उसने मुझे कहा कि वहाँ एक मीटिंग है सियर्स टावर में शिकागो में और यू किसने हैव टू कहा? अटेंड सॉरी। दैट मीटिंग, सुपरवाइजर ने के मीटिंग आप मुझे अटेंड करनी है और मीटिंग की रिपोर्ट पेश करनी, उस मीटिंग में जाना है। मैं आई घर आके मैंने सुनाया और वही 3 दिन के लिए जाना, तो मैं 3 दिन और 4 रातें हो गई समझिए। तो मैं रात में निकली, बड़े से मैंने समझा बुझा के कि इसको इस तरह देखना, इसका बर्थ जरूर करवाना, और फीडिंग के बाद बर्प करवाते हैं ना बच्चों को, मैंने कहा जरूर करवाना और इसका ख्याल रखना और सुबह बेबी सिटर के पास ये चीजें पैक करके दे देना। खैर हस्बैंड ने सुन लिया और अमल भी किया। मैं जब गई तो बस में 8 घंटे, 8 घंटे नहीं 8 घंटे से कम का सफर था, शिकागो पहुंची ना, तो पहुंची। अब फोन तो कोई ऐसे नहीं आपके पास कॉइन्स हो और कहीं डाल फोन में डालें तो फिर आपकी बात हो। खैर कॉइन्स भी मैंने लिए, फिर कॉइन से बात की तो नाराज हुए कि भाई क्यों पूछ रही हो, सब ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। खैर वो रात में वहां सोई नहीं। अच्छा जब मैं बस स्टॉप पर पहुंची तो नीचे बेसमेंट में बस ने रोका, फिर मैं ऊपर बाहर आई, बाहर आके जब मैं खड़ी हुई तो मैंने देखा बहुत, उस जमाने में हालात ठीक नहीं थे शिकागो वगैरह में, तो बहुत लोग मेरे गिर्द घूम रहे इधर से उधर। जब मैं डर गई
ये क्या करने वाले हैं पता नहीं। खैर एक टैक्सी मैंने पकड़ी और टैक्सी से बस स्टॉप से ज्यादा दूर नहीं था सियर्स टावर, लेकिन मैं टैक्सी से गई और सियर्स टावर पहुंच गई। तो वो बड़ा वैसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, 30 days बहुत after your बेहतर। C-section. Oh. स्नो में मैं चलते चलते फिसल के गिर जाती थी उस सी सेक्शन में। ओह माय गॉड. हाँ तो इतना फिर लोग मुझे पकड़ के उठाते और पता नहीं चलता था किस वक्त मैं स्लिप हुई और बिल्कुल इजी. सीधे। हाँ वो जो ब्लैक आइस जो होती है ना वो काफी तबाहकुन किस्म की होती है. और आपको लगता है कि आपके सुपरवाइजर आपको टेस्ट कर रहे थे इस तरह के मुश्किल पड़ाव में भेज के कि ये लड़की काम करने वाली है या नहीं? मुझे नहीं लगा, मैं वैसे समझी, लेकिन उसने कभी ये नहीं किया। बस वो मुझे कहता था कि ये मीटिंग है, इसके ये करना है और इसके लिए ये रिपोर्ट लानी है और वहां तुम्हें जाके ये एक्सपेरिमेंट्स देखने। मैं चली जाती थी, फिर स्कूल विजिट करने थे तो स्कूल्स में जाके विजिट करती थी तो उसकी रिपोर्ट बना के। और पढ़ना मतलब इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था फिजिक्स का, फिजिक्स के भी कोर्सेज लिए तो आप जब पाकिस्तान से पढ़ के गई थी तो तो। ऐसा नहीं हुआ कि आप कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस महसूस कर रही हो अमेरिका जाके, या उस सिस्टम में आपको मुश्किल हो रही हो? मतलब आपकी बेसिक्स वर ऑल राइट इट सीम्स. तो अब जाते जाते अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पाकिस्तानी वुमेन ऑफ डिफरेंट एजेस, मतलब कोई 18 year old वुमन भी और 21 year old वुमन भी, 35 year old वुमन भी, 70 year old वुमेन भी, मुझे आप बताएं कि वो कौन सी 3 life advice हैं जो आप पाकिस्तान की औरतों को देना चाहें? जस्ट एनीथिंग अबाउट लाइफ. वो तो मैं पहले तो मैं यही कहूंगी, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, एजुकेटेड हो नॉन एजुकेटेड हो, अपने आप को असर्ट करें, पहचाने और अपनी कैपेबिलिटीज को पहचाने और आगे बढ़ें। और ये छोड़ दें कि ये कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कहेगा और क्या कहेगा, इसके बगैर आप सब कुछ कर सकते हैं। वही जो दिल और दिमाग की बात है कि आप सोच लें कि मुझे करना है और मैं इसकी जिम्मेदार हूँ, अपने आप को जिम्मेदार समझे, कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते, चलता नंबर है। 2. नंबर 2 तो ये होगी कि भाई कहीं आने जाने में झिझक ना पैदा करें। जहाँ जिस तरह मैं निकली और चली गई, और मैं अपनी क्या मिसाल दूँ, बल्कि लड़कियां यही कर सकती हैं कि भाई जहाँ जाए ये सोच कर जाए कि वो जा सकती हैं, वो उन हालात को फेस कर सकती हैं। और ये सबको पता होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कैसे हालात होंगे, तो वो उसको समझे और उसमें जाए बिल्कुल। और कुछ नंबर झिझक ना तीन नहीं. तो झिझकना नहीं, बिल्कुल सही नहीं किसी सही. चीज के लिए कि भाई इससे क्या होगा। कमांड और नंबर तीन मैं क्या बताऊं भाई, ये इंश्योर करें ना कि मेरे लिए क्या है, अगर आप बहन भाइयों में हैं तो व्हाट आई हैव इन द सोसाइटी एंड व्हाट द बॉयज हैव, व्हाई डोंट आई हैव ऑल दीज थिंग्स, ये इंश्योर करें। और उसको तैयार करें, और ये एक आध लड़की से नहीं होगा बल्कि इसके लिए लड़कियों को मिलके करना चाहिए। और फिर उसकी कोई स्ट्रेटेजी बनाए कि
इनको किस तरह से हम लड़कियां लड़कों के बराबर आ सकती हैं, जो चीजें लड़कियों के लिए है वो लड़कों के लिए क्यों नहीं है, वो लड़कों के लिए है लड़कियों के लिए क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है और हमें क्यों नहीं मिल रही, आप हासिल करें और अगर इस काम में कामयाब हो तो फिर आप उसको, मैं कहती हूँ आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आप सबको बताएं कि ये करने से हमें ये हासिल हुआ है और हमें ये करते रहना चाहिए। और फिर मैं एडवाइस करूंगी कि हर साल 8 मार्च को औरत मार्च में जाएं, अपने पेरेंट्स के साथ जाएं, वेरी गुड. कोई मना नहीं करता, जबरदस्त. पेरेंट्स लेके जाएं और फिर उनकी उनके जो आर्गुमेंट है उसके साथ खुद आर्ग्यू करें, तो राइट, गुफ्तगू घर करें. में बैठ के आर्ग्यू करना है, हाँ गुफ्तगू करें, तो एक गुफ्तगू करने की आदत पड़ जाएगी और उससे ये कि ये होगा कि भी जब औरत मार्च है तो औरत मार्च में जरूर जाए, वहां के नारे भी लगाएं जो भी नारे, और फिर उन नारों पे जो बहस हो वो घर में बैठ के बहस करें। वेरी गुड, दिस इज ग्रेट एडवाइस. ये तो कमाल की एडवाइस है. और बाकी मैं मतलब घर में ये तो बात है ना कि घर में घर का जो महाज है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स महाज है. यानी बाहर बातें करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है, लेकिन अपने घर वालों को अपनी टीम में शामिल करना सबसे देरीना देरपा लड़ाई मेरे हाल में वही होती है. उसको लड़ाई कहें, बैटल कहें, लड़ाई तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन वो जो जंग है वो सबसे लॉन्ग टर्म जंग तो वो घर में ही होती है ना, क्योंकि घर के डायनामिक्स भी बदलते रहते हैं और बहस भी इवॉल्व होती रहती है. तो वेरी, ये तो मतलब बहुत मजे की एडवाइस है, डेफिनेटली वेरी आई ओपनिंग एडवाइस और काम की एडवाइस है कि झिझकना भी नहीं है, अपने फैसले पे डटना भी है, और साथ में हाँ। फिर गुफ्तगू का भी जो एक एवेन्यू है उसको उसको चला के रहना. और वो घर में होते रहना चाहिए, बिल्कुल और वो जब बिल्कुल ही होगा जब वो पेरेंट्स के साथ वहां जाएंगे, तो बिल्कुल अक्सर लड़कियां अपने भाइयों के साथ आती, जरूर भाई बिल्कुल, और अपने कजन्स के साथ, वालिद अपने उनके भाइयों के साथ साथ. निकले बिल्कुल डेफिनेटली निकले और फिर घर पहुंचे तो जाहिर है पेरेंट्स को पसंद नहीं आएंगे, वालिद को तो वो नारे पसंद नहीं आएंगे, तो बिल्कुल उनके साथ बहस भी करें, तो डिस्कशन होगा, तो घर में बैठ के डिस्कशन होगा, क्योंकि हम घर में बैठे रहते हैं ना, हम अपने तौर पे बाहर की दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें सोच लेते हैं, जी. वहाँ ये हो रहा होगा वहाँ ये हो रहा होगा, तो जब तक निकलेंगे नहीं तो आप क्या देखेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल फिर तीसरी एडवाइस तो औरत मार्च है, अब मार्च के महीने में मैं तो देखूंगी आने वाला 8 मार्च को है, अब तो आने ही वाला है, अब हमारी मुलाकात हाँ वहीं पे होगी <आगे। इंशाल्लाह. laughs> बिल्कुल. और मुझे मैम आपको बस आपसे कहना है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला और आपने इतनी अहम बातें हमारे साथ शेयर की. आपने पर्सनल प्रोफेशनल इन सारे बैरियर्स को ख़त्म करके अपनी लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर की, उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया.